हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन। मैं हूं अभिषेक कुमार। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन का लेक्चर वन। तो ठीक है, तो लेक्चर वन में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब कि आपके इस सब्जेक्ट के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे हम लोग। और फिर एयर ट्रांसपोर्ट का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ और कैसे हम लोग के कंट्री में डेवलप हुआ है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, ट्रांसपोर्टेशन का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे देश में या फिर किसी भी कंट्री में, और ये किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट का बैकबोन होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट मोड्स हैं, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। तो मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होता है कंट्री में वो होता है रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो जिसके बारे में आपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वन में पढ़ा होगा। रेल ट्रांसपोर्ट भी आपका सेकेंड लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड है, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग टू में पढ़ा है। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट से मैक्सिमम आपका जो है इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो सब होता है। इंटरनेशनल ट्रेड वाटर ट्रांसपोर्ट से होता है, तो इसमें वाटरवेज, पोर्ट, हार्बर, ये सब स्टडी किए जाते हैं। तो ये आपके सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है AKU में। ठीक है, अब बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो एयर ट्रांसपोर्ट में हम लोग एयरपोर्ट इंजीनियरिंग या फिर हेलीपैड कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मोड है, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग जो डिस्कस करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट में, रोड ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या होता है कि हमारे क्या जगह बस स्टैंड होता है, और बस स्टैंड से या फिर कहीं पे स्टेशन होता है, स्टेशन से जो ट्रेन है वो आपका मूव करता है पाथवे के थ्रू। ठीक है, तो पाथवे यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, क्योंकि पाथवे एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब पाथवे जो है वो डिपेंड करता है कि ग्राउंड आपकी ग्राउंड की सिचुएशन कैसा है, और हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा जो बस ट्रांसपोर्ट है या कुछ भी ट्रांसपोर्ट मोड है उसका स्टेशन कैसा हुआ। लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट में हम लोग स्टेशन डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ट्रांसपोर्ट मोड में हम लोग को पाथवे को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, और भी स्टेशन को भी। पर जब बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की, तो एयर ट्रांसपोर्ट में जो व्हीकल है वो आपका एयर के थ्रू पास कर रहा है, तो इसमें किसी तरह की कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है पाथवे में। तो मेनली हम लोग कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं, हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका जहाँ पे से वो स्टार्ट होता है, जहाँ से टेक ऑफ करता है और जहाँ पे वो लैंड करता है। मतलब मेनली हम लोग एयरपोर्ट इंजीनियरिंग ही पढ़ते हैं, हम लोग एयरपोर्ट के एयरवेज का कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग की सिलेबस पर कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो आपके ये चार सिलेबस में बटा हुआ है पूरा सिलेबस, तो चार चैप्टर में आपको स्टडी करना है एयरक्राफ्ट कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू एयरपोर्ट डिज़ाइन, मतलब कि एयरक्राफ्ट की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एयरपोर्ट डिज़ाइन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टडी करनी है एयरपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि एयरपोर्ट में जो भी डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हो गया रनवे हो गया, जिसके थ्रू जो एयरक्राफ्ट है टेकअप करता है, लैंड करता है, एयरक्राफ्ट को रनवे तक ले जाने के लिए जो पाथवे होता है जहाँ पे उसको हम लोग रोक के रखते हैं, मतलब कि जहाँ पे स्टॉपवे होता है उसका। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन सारी चीज़ें पढ़नी है आपको रनवे की, टैक्सीवे की। ठीक है, तो उसके बाद है होल्डिंग एप्रोन एंड एप्रोन्स, मतलब कि वैसे लोकेशन जहाँ पे जो है एयरक्राफ्ट है वो पार्क की जाती है और जहाँ से बोर्डिंग और डीबोर्डिंग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एप्रोन। तो एप्रोन के कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, कैसे पार्किंग करते हैं, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कितने सारे स्पेस होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड में। चैप्टर फोर में हम लोग पढ़ेंगे एयरपोर्ट लाइटिंग मार्किंग के बारे में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में, और कैसे हम लोग प्लानिंग डिसाइड करते हैं, और एयर ट्रैफिक डिमांड के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ एयर फील्ड पेमेंट। तो ये जो टॉपिक है वो उस पर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं इसको भी कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। ठीक है, तो अब है कि इससे जो पूरे सिलेबस से आपका गेट सिलेबस जो मैच करता है वो है एयरपोर्ट रनवे लेंथ टैक्सीवे एंड एग्जिट टैक्सीवे डिज़ाइन। तो चैप्टर जो टू है यानी यूनिट टू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे आपके गेट में भी एग्ज़ाम आते हैं, और ये पढ़ लेंगे तो आपको गेट में भी आपको ये वर्क करेगा, आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो एयर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस क्या है अगर डिस्कस करें, तो ये है आपके इस एयर ट्रांसपोर्ट होने की वजह से हम लोग को एक्सेसिबिलिटी मिलती है इन एक्सेसिबल एरिया में, मतलब वैसे लोकेशन में जहाँ हम लोग जा नहीं सकते वहाँ पे हम लोग एक्सेसिबिलिटी मिलती है, हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोग बिना पाथवे कंस्ट्रक्ट किए हम लोग वहाँ जा सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग कंटिन्यूस कनेक्टिविटी होती है ओवर लैंड एंड वाटरवे, मतलब कहीं ज़मीन है, कहीं पर वाटर है, कहीं पर आपके पास वाटर एरिया है, कहीं पे लैंड एरिया है, तो उसमें आपको ब्रिज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट ऊपर से फ्लाई कर सकते हैं।
ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है वेरी हेल्पफुल इन रिलीफ ड्यूरिंग इमरजेंसी और डिजास्टर। तो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में या डिजास्टर में बहुत ज़्यादा हमारा हेल्प करता है। इट सेव्स प्रोडक्टिव टाइम स्पेंट इन जर्नी। तो आप ये आपका जो एयर ट्रांसपोर्ट मोड है वो फास्टेस्ट मोड है किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड में। तो फास्टेस्ट मोड है तो हम लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम ये सेव करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज द डिमांड ऑफ स्पेशलाइज टेक्निकल वर्कफोर्स। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट मोड को आपको एग्जीक्यूट करने पर कहीं पे इंस्टॉल करने पर बेनिफिट ये होता है कि आप इस तरह के ट्रांसपोर्ट मोड में काम करने वाले जो नए तरह के टेक्निकल वर्कफोर्स है आप उसके लिए जॉब क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेनिफिट है। नेक्स्ट है कि इट एड फॉरेन रिजर्व थ्रू टूरिज्म। तो किसी लोकेशन पे आपका एयर ट्रांसपोर्ट मोड नया स्टार्ट होता है तो वहाँ पे जो है टूरिज्म के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इट यूजेज इन सर्वेइंग फॉर रिमोट सेंसिंग और एरियल फोटोग्राफी। तो इसका इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं रिमोट सेंसिंग और एरियल फोटोग्राफी में। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी एरिया को सर्वे करने के लिए भी। ठीक है, तो अगर डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं हम लोग तो डिसएडवांटेज ये है कि इसको जब भी हम लोग को इंस्टॉल करना होता है नया सेटअप करना पड़ता है तो उसके लिए हैवी इनिशियल फंड की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है ऑपरेशन आर वेरी हाईली डिपेंडेंट ऑन अवर वेदर कंडीशन। तो इसके ऑपरेशंस है उसके लिए वेदर का साफ होना सही होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिक्वायर्स हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। तो इसमें जो मशीनरी जो जरूरत पड़ेगी वो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी चूक आपका बहुत भारी एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है आउटवर्ड फ्लो ऑफ फंड फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी लगेगी तो उसको टेक्नोलॉजी को परचेज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फंड देना पड़ेगा जो कि जो स्मॉल कंट्रीज होते हैं उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। नेक्स्ट बात कर ले तो वो है हाईली सेफ्टी इज़ रिक्वायर्ड। तो हायर सेफ्टी जरूरत पड़ती है इसमें क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो आपके एयर में मतलब आप कहीं पे लैंड नहीं कर सकते कहीं पे आपको डायरेक्टली एयरपोर्ट तक ही पहुंचना होता है तो फिर इसमें सेफ्टी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक डिमार्केशन ऑफ फ्लाइट पाथ एंड टेररीज आर इसेंशियल। तो आपके पास किसी दो लोकेशन में आप मूव कर रहे हैं तो सबसे इसमें ये पूरी तरह से डिमार्केटेड होना चाहिए कि आपको किस फ्लाइट पाथ से ही मूव करना है। आप किसी अदर पाथ पे कॉल नहीं ले सकते क्योंकि वो एयर फील्ड में आप मतलब कि आपको पूरा एयर स्पेस में बहुत सारे डिफरेंट पाथवे होते हैं उसमें आपके कहीं पे किसी वजह से चांस आपको इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से कोई भी एक्सीडेंट क्रिएट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए प्रॉपर एक फ्लाइट पाथ होता है अब प्रॉपर एक टेरिटरी डिसाइड की जाती है कि इस जोन में ही आपको फ्लाई करनी है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की। तो हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया है और डिस्कस कर लिया कि एयर ट्रांसपोर्ट के क्या बेनिफिट डिसएडवांटेज हैं। अब बात करते हैं कि एयरपोर्ट में पढ़ना क्या होता है। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग इनकम्पास द प्लानिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्मिनल रनवे नेविगेशनल एयर टू प्रोवाइड फॉर पैसेंजर एंड फ्लाइट सर्विसेज। तो इसमें मेनली हम लोग को फोकस करनी होती है कि आपकी जो प्लानिंग है डिजाइन है कंस्ट्रक्शन है ये कैसे करने हैं टर्मिनल की जहाँ पे जो पैसेंजर आके रुकेंगे रनवे की जहाँ से वो एयरक्राफ्ट टेकअप करेगा लैंड करेगा और जो नेविगेशन करने के जो सपोर्ट करेंगे वो किस तरह करेंगे। नेक्स्ट है आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट एयरपोर्ट ये सारे काम करना पड़ता है एयरपोर्ट इंजीनियर को। दे मस्ट अकाउंट फॉर द इम्पैक्ट एंड डिमांड ऑफ एयरक्राफ्ट इन द डिजाइन फॉर एयरपोर्ट फैसिलिटी। तो जो एयरपोर्ट इंजीनियर है उसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो एयरक्राफ्ट का जो डिमांड है जो फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है उसको ध्यान में रख के ही आगे कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। एंड एयरपोर्ट इज अ फैसिलिटी वेयर पैसेंजर कनेक्ट फ्रॉम ग्राउंड ट्रांसपोर्ट टू एयर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर आपका जो है ग्राउंड ट्रांसपोर्ट मोड से आता है पैसेंजर्स और फिर एयर ट्रांसपोर्ट मोड में जाते हैं। तो इससे जो इस ट्रांजिशन फेज में आपको पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है पैसेंजर्स को। तो ये इसमें भी जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी के लिए जो भी कस्टमर करने की जरूरत पड़ती है वो हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इट इज़ द लोकेशन वे एयरक्राफ्ट सच एज एयरप्लेन हेलीकॉप्टर टेक ऑफ एंड लैंड। तो उसके लिए जो फैसिलिटी चाहिए होगी वो कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी एयरक्राफ्ट के लिए हेलीकॉप्टर्स के लिए। एयरक्राफ्ट मे ऑल्सो बी स्टोर्ड और मेंटेन एट एन एयरपोर्ट। तो एयरक्राफ्ट का जो हम लोग मेंटेनेंस का पर्पस है जो भी स्टोरेज का पर्पस है उसको फुलफिल करने के लिए भी हमारे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। एंड एयरपोर्ट शुड हैव रनवे टू टेक ऑफ एंड लैंडिंग बिल्डिंग सच एज हैंगर टर्मिनल बिल्डिंग। तो एयरपोर्ट के पास रनवे तो होना चाहिए टेक ऑफ लैंडिंग करने के लिए। उसके अलावा भी जो है हैंगर्स जो कि होता है स्टोरेज के लिए या मेंटेनेंस के लिए स्पेस होता है या फिर टर्मिनल बिल्डिंग जहाँ पे पैसेंजर्स का भी जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें होते हैं। तो आपका ये एयरपोर्ट इंजीनियरिंग ये सब चीज़ हमें पढ़नी पड़ती है। तो अगर बात करें कि एयर ट्रांसपोर्ट का जो है
स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे ये डेवलप हुआ है। तो एयरक्राफ्ट पे जो का जो कॉन्सेप्ट है या एविएशन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है, लगभग 2000 साल पुराना है, जिसमें कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा मेंशन किया जाता है। मतलब पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं या फिर ग्रंथ है उसमें भी पुष्पक विमान का भी जिक्र मिलता है। डिस्कस किया जाता है कि आइडिया फॉर फ्लाइंग वेयर बींग थ्रू आउट ऑफ ड्यूरिंग द रामायण पीरियड। तो रामायण पीरियड से भी ये आइडिया है कि एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रैवल किया जा सकता है। इन 1505 AD लियोनार्डो दा विंची मेड मेनी मॉडल्स ऑफ एयरक्राफ्ट दैट डिडंट फ्लाई। तो लियोनार्डो दा विंची जो है वो पेंटर जो थे वो डिफरेंट तरह के मॉडल का पेंटिंग किए कि जो कि उड़ सकता था, उड़ने वाली फ्लाइंग मशीन का जो ड्राइंग बनाया उन्होंने, जो कि वो अगर एक्चुअल ड्रोन बनाया जाए, उसका मॉडल को एक्चुअल में हकीकत बनाया जाए, वो उड़ नहीं सकता था, पर बस एक कॉन्सेप्ट था। मिस्टर काउंट जेपलिन जो थे वो कि उन्होंने डिसाइड किया कि अगर वैसा फ्लाइंग मशीन बनाया जाए जो कि एयर से लाइटर हो वो उड़ सकता है। तो उन्होंने बस क्या किया कि बलून में जो हाइड्रोजन के बलून होते हैं उसमें एक प्रोपेलर मशीन लगा दिए, तो बलून के जो उड़न जो वो लिफ्ट होता था तो उसको आगे मूव करने के लिए, पुश करने के लिए वहाँ पे प्रोपेलर मशीन लगा होता था, जिसकी वजह से वो ट्रैवल कर सकते। तो ये भी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ उस समय, लेकिन बाद में जब एक मैसिव जो एक्सप्लोजन हुआ या एक मैसिव एक्सीडेंट हुआ हिडनबर्ग में हाइड्रोजन एयरशिप का, जिसकी वजह से लगभग 26 पर्सन मतलब मारे गए थे, तो उसकी वजह से ये जितना पॉपुलर नहीं था वो ख़तरनाक माना जाता था। उसके बाद अगर प्रॉपर अगर किसी एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो जो राइट ब्रदर्स थे, विल्बर राइट या ऑर्विल राइट, जिन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल हैवियर देन एयर एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया और उसको उड़ाया भी, जो कि 17 दिसंबर 1903 में नॉर्थ कैरोलिना USA में किया था। तो ये दोनों भाई उन्होंने एक सक्सेसफुली फ्लाइंग मशीन बनाया था उस समय, और उसके बाद ही धीरे धीरे जो है एयरक्राफ्ट के इंडस्ट्री में बूम आया है। तो वो 1916 में पहला जो है जब एयरक्राफ्ट बन चुका था तब उसको मेल सर्विस के थ्रू भेजा गया था। 1918 में US पोस्टल सर्विस स्टार्ट किया गया, फिर 1918 में जाकर जब वहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल एयर सर्विसेज प्रोवाइड की गई फ्रांस में। 19 अगस्त 1939 में जो है जेट इंजन बनाया गया, पहला जेट इंजन जर्मनी में बाई हैंकल एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया था। 1944 में ये जो 52 कंट्रीज के डेलीगेट्स ने मतलब एक कॉन्वेंशन हुआ, शिकागो कन्वेंशन हुआ, जिसके थ्रू उन्होंने डिस्कस किया इंटरनेशनल सिविल एविएशन को, और फिर इसी के रिकमेंडेशन के थ्रू बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसे बोलते हैं ICAO। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में आपका ये इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि इस्टेब्लिश का डेट है 4 अगस्त 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जिस तरह से आपका हाईवे में इंडियन रोड कांग्रेस है जो कि सारे जो स्पेसिफिकेशन देता है कि आपका क्या कैसा डिजाइन होना चाहिए, कैसा कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, तो ये एयर फील्ड में मतलब एयर ट्रांसपोर्ट के फील्ड में ICAO का ही वही रोल है, जो कि इंटरनेशनली वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट का जो इंडिया में क्या रोल रहा है। 1911 में पहला जो पोस्ट है वो डिलीवर किया गया था एयर के थ्रू अलाहाबाद टू नैनी, जो कि पायलट थे हेनरी पेकवेट, ठीक है। 1912 में फ्लाइट जो है स्टार्ट की गई थी दिल्ली से कराची के बीच में। 1927 में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था। 1929 में रेगुलर एयर सर्विस कराची दिल्ली के बीच में स्टार्ट की गई है। 1932 में टाटा एयरवेज जो है सेटअप किया गया था, जो कि सेटअप करने वाले थे JRD टाटा, और JRD टाटा ही थे जो कि इंडिया के पहले पायलट थे, ठीक है। ये बहुत अलग इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए सब चीज़ को। 1947 में टाटा एयरवे को नाम चेंज करके एयर इंडिया कर दिया गया। 1972 में भी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन ये ऑर्गेनाइजेशन थी। 1985 में एयर टैक्सी पॉलिसी अनाउंस की गई, जिसको पूरे इंडिया में इसको लागू किया गया। बाद में जो ये IAAI था और पहले से बना हुआ था यहाँ पे नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, दोनों को मर्ज करके बनाया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आज भी वर्क करता है पूरे एयरपोर्ट के फील्ड में, एयर मतलब एविएशन के फील्ड में, ठीक है। तो ये रहा हमारा एयर ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री इंडिया में। अब उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि
एयरपोर्ट डिजाइन और ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। जो फर्स्ट है ICAO, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन वो है जो कि शिकागो कन्वेंशन में फर्स्ट टाइम ये इसको रिकमेंड किया गया था और उसको इस्टेब्लिश किया था 1944 में, जिसका जो हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ इंटरनेशनल एयर एविएशन एंड फोस्टर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट सो एज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑन ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसका मेन पर्पस है कि आपके जो भी एयर ट्रांसपोर्ट के लिए, नेविगेशन के लिए जो जो भी चाहिए रिक्वायरमेंट है, तो सेफ्टी के लिए जो जो भी आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो सारे स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, ये सारी गाइडलाइन यही ICAO देता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल सिविल एविएशन को बहुत मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में इसको डेवलप किया जाए बिना किसी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किए हुए। तो इसके लिए ICAO बहुत ज़्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं FAA की, जो कि है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि US की बॉडी है, मतलब USA एक अमेरिका की ये एजेंसी है जिसका पहले नाम था फेडरल एविएशन एजेंसी, लेकिन बाद में इसको FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया। तो ये USA की गाइडलाइन देने वाली एजेंसी है, जिस तरह की इंडिया में IRC है रोड के लिए, उस तरह USA में एयर ट्रांसपोर्ट के लिए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि सिविल एयरवेज, वहाँ की लैंडिंग एरिया, अदर एयर फैसिलिटी, वहाँ की फेडरल एयरवेज एक्वायरिंग का है और एस्टेब्लिशमेंट का, ऑपरेशन का, रिसर्च का, सारा काम यही करती है। तो ये सारी गाइडलाइंस के अलावा यहाँ बहुत सारे रिसर्च के काम भी करती है, तो जिसके बेनिफिट ये होता है कि कुछ गाइडलाइंस हम लोग FAA का भी मान के चलते हैं, जस्ट जो भी है गाइडलाइन ना वो हम लोग फॉलो भी करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो हम इंडिया में मेनली है DGCA, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आती है, जो कि है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग डाउन स्टैंडर्ड एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, विच कवर्स एयरवर्थिनेस, सेफ्टी एंड ऑपरेशन, एयर एयरक्राफ्ट फ्लाइट क्रू स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेनिंग, एयर ट्रांसपोर्ट एंड ऑपरेशन। तो ये जो है इंडिया में जो भी किसी तरह का ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ सेफ्टी का गाइडलाइन हुआ, ऑपरेशन गाइडलाइन हुआ, फ्लाइट क्रू का कैसा ट्रेनिंग होना चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमारा ये DGCA ही देता है। तो अगर आप कुछ भी कहीं पे सुनते हैं, किसी न्यूज़ में सुनते हैं कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, तो सबसे पहले उसकी जो जानकारी है DGCA लेती है और DGCA ही गाइडलाइन जारी करती है। जो अभी कोविड का कंडीशन है, तो कोविड कंडीशन में किस तरह से आपके पैसेंजर्स को ट्रैवल करना चाहिए, किस तरह की सेफ्टी मेंटेन करनी चाहिए, इसकी भी गाइडलाइन DGCA ही देता है। तो इसका अलग अनदर जो थिंग है, जो कि है कि लाइसेंसिंग फ्लाइट क्रू की, कौन कौन से पर्सन आपके एयरक्राफ्ट को मतलब फ्लाई करा सकते हैं, मतलब कौन कौन से क्राफ्ट एयरक्राफ्ट में जो क्रीव होते हैं, कौन कौन से इसमें उनको लाइसेंस देने का काम यही करती है, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का, एरोड्रोम्स का, फिर सर्टिफिकेशन, सारा काम यही करती है। लाइक सम ऑफ थिंग विच कैन सी दैट द सिनोनिम्स ऑफ द फंक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल वी हैव सीन AFA, जिस तरह FAA हमका है अमेरिका में, उस तरह यहाँ पर DGCA है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनटू इंसिडेंट्स, द माइनर एक्सीडेंट रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन, फॉर्मेशन, इससे सारी चीज़ें, रिसर्च डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमारा यहाँ DGCA ही करता है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि ओवरऑल नेविगेशन को देखता है कि ये जो सारा रेगुलेशन बनाने का काम ये है, इम्प्लीमेंट करने का काम ये है, ये करते हैं, मतलब कि सारा जो है नेविगेशन का काम हो गया। उसके बाद ये जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो बनाया गया था पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू 1 अप्रैल 1995 में, जो कि दो एजेंसी को मर्ज कर बनाया गया था, जो कि उस समय था नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो अभी जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी है जो कि मैनेज करता है एयरपोर्ट्स को, मतलब कौन से लगभग 137 एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें 137 एयरपोर्ट्स में 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 10 आपके नेशनल एयरपोर्ट है, मतलब कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है, बाकी कस्टम एयरपोर्ट्स है। ठीक है, तो ये सारे जो है कस्टम एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है। ठीक है, तो ये सारे जो सारे एयरपोर्ट्स का उसका रख रखाव से लेकर कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, सारा काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। तो एक तरह से एक सिविल इंजीनियर के लिए भी जॉब बहुत सारा क्रिएट करती है। तो अगर आप कहीं पे जॉब करना चाहते हैं, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए भी इसके थ्रू भी बहुत सारे जूनियर एग्जीक्यूटिव की या फिर उसकी जॉब्स आती रहती है, अब इसके लिए भी ध्यान दे सकते हैं। मेन फंक्शन ऑफ AAI आर डिजाइन, डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो आपका डिजाइन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सारा इस काम की करता है, किस तरह का
किसी नए एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन करना, मॉडिफिकेशन करना, मैनेजमेंट करना हो, इसमें भी बहुत ज़्यादा इनका रोल होता है। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एयरपोर्ट को कंट्रोल करती है। इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या फिर आपको ओवरऑल जाननी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आपको अगर बुक पढ़ना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो आप एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की जो बुक है रंगवाला की, वो पढ़ सकते हैं। वो आपके लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके जस्ट नोट्स की तरह है, तो शॉर्ट क्रिप्स में दिए हुए हैं, जिसको आपको जस्ट पढ़ के आप समझ सकते हैं। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग बाई एसी सक्सेना ही पढ़ सकते हैं, वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा, जो कि आप जस्ट नोट्स की नहीं है, पूरा उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसको। उसके अलावा फॉरेन एडर की जो बुक्स है, प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ एयरपोर्ट, ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बुक्स है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपका ये आपका जस्ट इंट्रोडक्शन था इस बुक इस एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट की। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एयरक्राफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।